everyone, this is Sumbul and you are watching my channel Digital Cooperative Kids. Students, today we will learn how we will solve the question answer of the this chapter of your science book. That is, the chapter is Food and Feeding Habits of Animals. I have sent you two videos related to this chapter in your WhatsApp group. I hope you have seen that. Now today we will learn the objective. We will solve the objective and question answer of this chapter. So let's start now. First objective is tick the correct option. First one is, which animal uses its sharp front teeth to eat fruits? कौन सा एनिमल है जो अपनी शार्प फ्रंट टीथ यूज़ करता है फ्रूट्स को खाने के लिए, फल को खाने के लिए? इज इट फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक और स्क्वायरल? सो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर नोटिस दैट फ्रॉग, लिजर्ड एंड स्नेक हैव नो टीथ? दे यूज टू स्वालो देयर फूड्स विद देयर स्टिकी टंग. स्टिकी टंग से ये तीनों एनिमल्स क्या करते हैं, अपने फूड को स्वालो कर जाते हैं. दिस द आंसर इज स्क्वायरल, बिकॉज स्क्वायरल इज द वन who uses its sharp front teeth to eat the fruit. So we will take a squirrel. Okay, got it. Next one is, which of these animals chew the cud? In YouTube video you might have seen that what is chewing the cud. तो आपने देखा होगा chewing the cud होता क्या है. वैसे animals जब अपने food को पहले swallow कर लेते हैं and then कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स, दे ब्रिंग बैक टू फूड टू देयर माउथ एंड देन च्यू इट. दिस इज़ कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड. तो ये काम कौन करता है? कैमल, डॉग, वॉल्फ, रैबिट. डॉग क्या करता है? डॉग जस्ट बाइट द फूड एंड स्वालो इट. वॉल्फ क्या करता है? वॉल्फ इज अ कार्निवोरस एनिमल. इट ईट्स फ्लैश. एंड रैबिट ईट देयर फूड बाई नॉइंग, है ना, उतर कर खाते हैं रैबिट फूड को. द आंसर इज कैमल. कैमल इज़ द वन हु च्यूज द कट. हु कैमल क्या करता है? कैमल अपने फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं. तो वी विल टेक दिस. थर्ड वन इज ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क और वाटर बाई डॉग्स एंड कैट्स यूजिंग देयर टंग इज कॉल्ड. पानी या मिल्क को पीना अपने टंग से, डॉग और कैट्स जो यूज़ कर टंग यूज़ करके वाटर और मिल्क पीते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्वालो मीन्स तो निगलना होता है, टियरिंग मीन्स फाड़ना होता है, फ्लेश को फाड़ करके जो कार्निवोरस खाते हैं, ठीक है. लैपिंग है, लैपिंग मीन्स होता है चाटना. डॉग्स एंड कैट्स यूजेज देयर टंग टू लिक द मिल्क और एंड वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैपिंग. सो वी विल टेक लैपिंग. Fourth one is, which of the following sequence show the correct order of the food chain? Food chain always start with a plant. And a plant se start hota hai, and then as you can see in picture, the picture shows the food chain. First grass, and then grasshopper eat the grass, and grasshopper is being eaten by frog, and frog is being eaten by a snake, and then a snake is eaten by a hawk. Then what is the process? What is the sequence? Snake, grasshopper, grass, frog, dome. First one should be grass. Where we are seeing grass? This one. Grass upar, okay, correct hai, frog and then snake. Though this is the correct answer. Next one is true and false. Write T if the statement is true. Agar statement true hai, then we will write true. And if the statement is false, then we will write false in the box. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, वर्क एंड स्टे हेल्दी. एनिमल्स को स्टे हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और वर्क करने के लिए, काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. तो ये तो ट्रू है. हम लोग को भी, ह्यूमन बींग को भी ज़रूरत होती है, तो एनिमल्स को तो होगी ही होगी. सो दिस वन इज़ ट्रू, सो वी विल राइट टी हेयर. ओके, नेक्स्ट वन इज़ पैरोट इज़ कार्निवोर. नो, पैरोट इज़ नॉट अ कार्निवर्स. कार्निवर्स व्हाट डू यू मीन बाई कार्निवर्स? कार्निवर्स ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो एनिमल्स ओनली फ्लैश खाते, सिर्फ फ्लैश खाते. कार्निवर्स आर द एनिमल्स हु ओनली ईट फ्लैश. बट पैरोट इज़ नॉट अ कार्निवर्स, पैरोट इज ओमनीवर्स. आपने देखा होगा कि पैरोट चिल्ली खाते हैं एंड सम टाइम ईट इंसेक्ट्स. सो पैरोट इज़ अ ओमनीवर्स. सो वी विल राइट एफ हेयर, फॉल्स हेयर. स्कैवेंजर्स ईट डेड एनिमल्स. स्कैवेंजर्स क्या खाते हैं?
डेड एनिमल्स खाते हैं, ये तो ट्रू है, आपने वीडियो में देखा होगा स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स की फ्लेश को खाते हैं। द नेक्स्ट वन इज द फ्रंट टीथ ऑफ हर्बीवोरस हेल्प देम टू ग्राइंड एंड च्यू फूड। हर्बीवोरस के जो फ्रंट टीथ होता है, सामने का दांत होता है, वो उनको अपने खाने को चबाने में, ग्राइंड करने में, पिसने में हेल्प करते हैं। यस दिस वन इज ट्रू। ओके नेक्स्ट वन इज ए फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद अ प्लांट एज यू हैव सीन इन द फूड चेन पिक्चर। यस द फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्लांट, सो इट इज अ ट्रू। नेक्स्ट वन इज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। सो वी विल सी द सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू जिराफ्स हैव अ लॉन्ग नेक। जिराफ्स को लॉन्ग नेक क्यों होता है? तो जिराफ्स हैव अ लॉन्ग नेक टू रीच टू देयर फूड इन द ट्रीज। ट्री में, पेड़ में ऊपर तक पहुँचने के लिए जिराफ को अपने लंबे गर्दन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब द टीथ ऑफ कार्निवोरस। कार्निवोरस का टीथ कैसा होता है? कार्निवोरस एनिमल्स कौन होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं। द एनिमल्स हु ईट ओनली फ्लैश लाइक टाइगर, लायन, वॉल्फ। लुक आई एम शोइंग यू द टीथ ऑफ कार्निवोरस। दिस इज़ अ कार्निवोरस एनिमल टाइगर। व्हाट आर यू शोइंग हियर? द फ्रंट टू फ्रंट शार्प टीथ, है ना, दो फ्रंट शार्प टीथ है। ये फ्लैश को टियर करने में, फाड़ने में, ये फ्लैश में जाते किसी भी एनिमल्स को पकड़ लेते हैं एंड देन उसको, उसके फ्लैश को टियर कर देते हैं। सो कार्निवोरस का टीथ कैसा होता है? कार्निवोरस है वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंटेड टू टियर फ्लैश। कार्निवोरस का टीथ बहुत ही तेज होता है, पॉइंटेड होता है, कर्व्ड होता है, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा, और टियर को फ्लैश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय चिंग द कर्ड। एज आई हैव टोल्ड यू, चिंग द कर्ड पहले जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स लाइक जैसे कि काउ एंड बफेलोस फर्स्ट स्वैलो द फूड विदाउट चिंग, बिना चबाए अपने खाने को स्वैलो कर लेते हैं, निकल जाते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम्स दे ब्रिंग बैक द फूड इन टू द माउथ एंड देन दे च्यू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। सो दैट्स एग्जैक्टली वी हैव रिटन हेयर। सम एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलोस फर्स्ट स्वैलो द फूड विदाउट च्यूइंग इट, आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक इन टू द माउथ एंड दे च्यू इट। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। Next one is how does an earthworm have its food? Do you know friends, earthworm is also called a farmer's best friend because whenever earthworm swallow the soil, it returns the soil after doing 10 times fertile than earlier. क्या करते हैं? मिट्टी को दस पहले से 10 गुना ज़्यादा फर्टाइल करके फार्मर्स को रिटर्न करते हैं। इसलिए फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है अर्थवर्म का। तो अर्थवर्म अपने फूड को सॉइल को स्वैलो कर जाते हैं, उसमें से जो रिमेन पार्ट्स होता है ना डेड प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस उसको मिट्टी देते हैं फील्ड में, खेत में। ठीक है, तो वही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, अर्थवर्म सॉलो द सॉइल टू ईट द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स का हम लोग देखभाल कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन, हम लोग उन कैसे कर सकते हैं? हम लोग उनके लिए काइंड हो सकते हैं, उसके बाद उनको प्रॉपर फूड दे सकते हैं, उनके शेल्टर को क्लीन कर सकते हैं। सो वी हैव रिटन हियर, वी शुड बी काइंड टू दीज एनिमल्स। हम लोगों को इन एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए। दे शुड बी गिवन फ्रेश ग्रास, ग्रेन्स, पल्सेस टू ईट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड देयर शेल्टर शुड बी क्लीन रेगुलरली। दैट्स इट। ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। Answer the following in short, question in short. And in next video, we will discuss how you will solve the question answer in details. Okay, till then, bye and take care.